सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव। आज और अभी में देखिए मेरे साथ देश दुनिया की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। इस दौरान गुलाम नबी 4 जिलों का दौरा कर सकते हैं, लेकिन वे किसी राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। वहां जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट भी सौंपेंगे। इस बारे में केंद्र को नोटिस दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद का हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया है। स्पीकर शिवा प्रसाद पर वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की थी। हैदराबाद के अस्पताल में गंभीर हालत में इन्हें इलाज के लिए लाया गया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। कोडेला पर विधानसभा से फर्नीचर चुराने का आरोप था। हरियाणा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी एनआरसी लागू करने की बात कही है। एनआरसी को घुसपैठ रोकने का सबसे अच्छा तरीका बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है और जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड भी एनआरसी लागू करेगा। रावत ने कहा है कि इस बारे में वे मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि असम में 31 अगस्त को जारी हुई फाइनल एनआरसी के बाद ही बीजेपी शासित प्रदेशों से एनआरसी लागू करने को लेकर खबरें आ रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में अपना पहला स्थान कायम रखा है। इस लिस्ट में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 903 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। स्मिथ से वे 34 अंक पीछे हैं। भारत के चेतेश्वर पुजारा चौथे, अजिंक्य रहाणे 7वें स्थान पर ही हैं। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल ने मात्र 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 44.57 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। यह आयुष्मान की सबसे तेजी से कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने शुक्रवार को 10.05 करोड़, शनिवार को 16.42 करोड़ और रविवार को 18.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। उम्मीद है कि ये फिल्म जल्दी ही 50 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। देश दुनिया के हर बड़े मुद्दे पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए देखते रहिए द फ्रंट। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।